कुछ ही देर में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच होने को है। 44 दिन, 47 मैच और 94 पारियों के बाद अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि आखिर इस घमासान का चैंपियन कौन बनेगा। चैंपियन बनने के लिए क्रिकेट के अखाड़े में एक तरफ क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम है, तो दूसरी तरफ इस विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ और एक भी लीग मैच नहीं हारने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया और भारत। गुजरात के अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बस इंतजार है तो 2 बजे। आज के वर्ल्ड कप फाइनल में कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं। पहला ये वर्ल्ड कप फाइनल उन 2 टीमों के बीच होगा जो कुल 7 खिताब जीतने वाली टीमें हैं। ये क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा जब 7 खिताब जीतने वाली टीम फाइनल में एक दूसरे को टक्कर देगी। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2007 के वर्ल्ड कप का था, जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच फाइनल हुआ था, जहां दोनों टीमों के पास कुल 4 किताब थे। 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी रिकॉर्ड सेम रहा था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच हुआ था, तब ऑस्ट्रेलिया अकेली 4 बार की चैंपियन थी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है, तो वहीं भारत 2 बार की विश्व विजेता है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि वर्ल्ड कप फाइनल दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम की बैठने की कुल क्षमता 1,32,000 है। यदि आज स्टेडियम खचाखच भरा रहता है तो क्रिकेट के क्राउड अटेंडेंस के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इससे पहले क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑडियंस वाला मैच IPL 2022 का फाइनल मैच था, जो इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए फाइनल मुकाबले में 1,01,566 फैंस स्टेडियम में मौजूद थे। वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड धराशायी कर सकता है। यह मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वक्त से सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखा जाने वाला क्रिकेट मैच बन सकता है। इसी वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के दौरान बना था, जब 5.6 करोड़ लोग एक ही समय पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सेमीफाइनल मैच देख रहे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि फाइनल में यह आंकड़ा 6 करोड़ को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, इस मैच में टीवी व्यूअरशिप के भी नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इससे पहले टीवी पर सबसे ज्यादा देखा गया वनडे वर्ल्ड कप 2019 में मैनचेस्टर में खेला गया भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला रहा था। उस मैच को 27.3 करोड़ यूनिक व्यूअर्स ने टीवी पर देखा था। माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में यह रिकॉर्ड पहले ही टूट गया होगा। फाइनल में आंकड़ा काफी आगे जाने की उम्मीद है। टीवी व्यूअरशिप के आंकड़े टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ICC खुद जारी करेगा। आज यदि भारत वर्ल्ड कप जीता है तो सबसे ज्यादा ICC खिताब जीतने वाले देशों में से दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। अभी भारत ICC ट्रॉफी के मामले में भारतीय टीम 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत आज वर्ल्ड कप जीतता है तो उसके 6 ICC खिताब हो जाएंगे। पहले नंबर पर 9 ICC खिताब जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है। भारत अब तक 2 वर्ल्ड कप, 1 2020 वर्ल्ड कप और 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। तभी कहा जा रहा है कि यह वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट में कई नए रिकॉर्ड बनाने का वर्ल्ड कप फाइनल भी है।